2017 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है उष्ण, ऑप्शन बी है आर्द्र, ऑप्शन सी है शीत, ऑप्शन डी है शुष्क। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम कौन सा है? तो शुष्क का विलोम है आर्द्र। ये आर्द्र गलत प्रिंट हो गया है, टाइप गलत हो गया है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको क्या बताना है, कौन सा स्थूल का विलोम नहीं है। ऑप्शन ए सूक्ष्म, ऑप्शन बी तन्वी, ऑप्शन सी दुर्बल, ऑप्शन डी शाश्वत। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। डी जो है वो स्थूल का विलोम नहीं है, बाकी जो बचे हुए हैं सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, ये सब स्थूल के विलोम होते हैं। शाश्वत जो है वो स्थूल का विलोम नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से एक शब्द पृथक का विलोम है। अब आपको ये बताना है कि पृथक का विलोम इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है एकत्र, ऑप्शन बी है संयुक्त, ऑप्शन सी है तथित, ऑप्शन डी है सुघटित। ये भी UPROARO 2017 प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो पृथक का जो सही आंसर है, पृथक का सही विलोम है वह है आपका बी संयुक्त, जो है वो विलोम है। शेष विकल्प जो है वो असंगत है, मतलब ठीक नहीं है। सही वाला आपका बी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम बताइए। उपयोग का विलोम क्या होगा? समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। तो उपयोग का जो विलोम है वो अनुपयोग और निरुपयोग दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी है इसका, ऑप्शन डी है। परीक्षा में आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा और आपको एक ही पे टिक करना होगा, और ये आपका मैं बताऊं 2017 RO AR में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में आपने जिस पे भी टिक लगाया होगा आपको नंबर उसमें मिल जाएंगे, अगर दोनों आ जाते हैं तो। और अगर ऑप्शन में एक होता है तो आप एक पे टिक लगाएंगे, अगर निरुपयोग है तो निरुपयोग पे टिक लगाइएगा, अनुपयोग है तो अनुपयोग पे टिक लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है? इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है? ठीक है, तो दक्षिण वाम, उद्यम नृत्यम, विधि निषेध, बर्बर सभ्य। तो गलत युग्म कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, गलत युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या होता है, उद्यमी का विलोम नृत्यम होता है। इसका उद्यमी का विलोम क्या होता है आपका, नृत्यम होता है। ठीक है, उद्यम का नृत्यम नहीं होता, उद्यमी का नृत्यम होता है, ये गाय। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से विलोम शब्दों का शुद्ध युग्म कौन सा है? अब इसमें आपको शुद्ध यानी कि सही बात का बताना है। इनमें से विलोम शब्दों का एक शुद्ध युग्म कौन सा है? अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है, अल्पज्ञ का क्या होता है विलोम, बहुज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से प्राची का विलोम कौन सा है? प्राची का विलोम उदीची है, या प्रतीची है, या नवीन, या समीची है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्राची का विलोम प्रतीची। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से अनुरूप का विलोम बताना है, विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप। चलिए बताएं,
अनुरूप का विलोम, तो अनुरूप का जो विलोम होगा वो होगा आपका बी प्रतिरूप। प्रश्न नंबर 9 आगे बढ़ते हैं, अग्रज का विलोम बताना है। अग्रज का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अक्षत, ऑप्शन बी अतुल, ऑप्शन सी अनुज, ऑप्शन डी अटल। प्रश्न नंबर सी 9 का जो सही उत्तर है वो है सी अनुज। ये भी यूपीपीसीएस RO ERO में पूछे गया प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न जो आपका है वो है ये, राजा का विलोम बताइए। राजा का विलोम क्या होता है? गरीब, दरिद्र, रंक या अटल? तो इसका आप सभी लोग जानते होंगे ऑप्शन सी रंक। तो इस तरीके से ये हमारी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी लगातार यूपीपीसीएस RO ERO के लिए जो आने वाला एग्जाम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।